चॉकलेट्स, आज मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज के इस वीडियो में तुम लोग जानोगे कि तुम लोग एंड्रॉइड पे अपने पोकेमॉन गेम प्लेस कैसे एडिट कर सकते हो। मुझे डिस्कॉर्ड पे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई बता यार कैसे करते हैं तू, मुझे एडिटिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो हाँ, तुम्हारे लिए वीडियो आ चुकी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले अपने इंट्रो वगैरह डाल लो अगर है तो। उसके बाद मैंने सब्सक्राइब के लिए एक वीडियो बना के रखी है, मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखो, मैंने इधर पे मेरी फाइल्स रखी हुई हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, तो मैंने इसे डाली है। अब मैं इसके बीच में एक ट्रांजैक्शन डालूँगा, मुझे ये वाला बहुत बढ़िया लगता है, क्रिम लाइन वॉकर। तो फिर मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। या फिर तुम लोग कोई एक्स्ट्रा डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। तो इसके बाद मैंने डाला इस पर एक क्लिप ग्राफिक। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने कई सारे क्लिप ग्राफिक डाउनलोड कर रखी हैं, और इनमें से सबसे अच्छा तो मुझे इसके साथ यही लगता है। तो मैं नहीं, वो ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा, हाँ तो मैं यही यूज़ कर लूँगा। और हाँ भाई, ये भी ज़रूर बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। हाँ बताना अगर तुम लोगों को वॉइस में कुछ अंतर समझ आया हो तो। चलो अब मैं बताता हूँ कि तुम लोगों को गेम प्ले को अपनी स्क्रीन में कैसे लाना है। तो सबसे पहले तो जितनी मिनट की तुम्हें याद हो, अगर तुम्हारी वीडियो हो तो सबसे पहले ये कुछ ब्लैक ब्लैक ऐड कर लो, बैकग्राउंड ऐड कर लो बैक ब्लैक कलर का। और उसके बाद फिर तुम लोगों को वहाँ पे जाना जहाँ पे तुम लोगों की फ़ाइल रखी है। मेरे पास और कोई गेम की फ़ाइल है नहीं, तो मैं वो हार्ड गोल्ड की पड़ी है, तो मैं हार्ड गोल्ड की फ़ाइल यूज़ करूँगा। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ तुम लोगों को, मुझे और मैसेजेस आ रहे थे कि भाई ये बता तो लेआउट कैसे लगाता है, और सॉरी मैसेज आ गए। और हाँ ये देख लो, अब ये काफ़ी टफ हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग सीधे डायरेक्टली ऐसे ही इससे पहले ले आते हैं, और वो ब्लैक वाला बैकग्राउंड पहले नहीं लाते हैं, और यही होती है उनकी सबसे बड़ी गलती। तो चलो आज मैं तुम लोगों को इस गलती को सुधार देता हूँ। तो जैसा कि तुम लोग सब देख सकते हो, जी मेरा गेम प्ले है, मैंने इसे डिलीट कर दिया क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो गई थी। नहीं डिलीट नहीं किया, हाँ मैं लेआउट लेने गया हूँ। और हाँ ये लेआउट देखो, इसे फुल स्क्रीन में करके यूट्यूब की स्क्रीन के साइज़ तक बनाना है तुम्हें। लेआउट की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, और अब हमें इसे क्रॉप करना होगा। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, हार्ड गोल्ड एक NDS गेम है, तो इसमें हमारे पास दो स्क्रीन्स रहेंगी। तो फिर सबसे पहले तो मैंने एक स्क्रीन को क्रॉप कर लिया है, और अब हमें ये जो स्पेस दिख रहा है ना तुम्हें, ये बड़ी वाली स्पेस, हमें इस मेन स्क्रीन को इस बड़ी वाली स्पेस में फिट करना है। हाँ तो फिर मैंने इसे एकदम अच्छे से तरीके से क्रॉप कर लिया है, और ये हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ हो गया गाइस। तो फिर हमें इसे, सच बता रहा हूँ इसमें बहुत टाइम लगता है करने में, अगर ना तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है करने का, तो भाई किसी किसी का तो लगता ही नहीं है, वो लोग ऐसे ही लगा के भेज देते हैं, और फिर नीचे कमेंट भी आ जाते हैं कुछ, भाई तुमने सही नहीं लगाया। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँ, मैं बस ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ तो फिर जैसे कि अब ये हो चुका है परफेक्टली फिट, तो अब मैं हम लोग इसकी दूसरी स्क्रीन को भी कॉपी करके वहीं उस छोटी जगह में प्लेस कर देंगे। जैसे तुम लोग देख सकते हो, मैंने उसे कॉपी कर लिया है, और अब हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये वाली स्क्रीन अब हम इसे छोटा करके उधर लगा देंगे। इसे हम लोग सेंटू बैक करेंगे पहले, ताकि ये लेआउट के पीछे रहे, लेआउट के बाहर कूदने की कोशिश ना करे। ये हो गया, अरे थोड़ा बड़ा है ना, हाँ। और हाँ गाइस, भाई 400 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत कम टाइम बचा है, भाई बहुत कम सब्सक्राइबर्स बचे हैं, जल्दी से जल्दी 400 हिट करवा दो भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग बड़े अच्छे, और ये तुम लोग कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो, अब हमारी दोनों की दोनों स्क्रीन पर लेआउट हट चुका है, क्योंकि मैंने वो पूरे इतने स्ट्रेच ही नहीं किया था। हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम लोग स्क्रीन्स में देख सकते हो कि उसमें सब सही से फिट हो गया है, और हमारा लेआउट भी एकदम अच्छा जच रहा है।
गाइस अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ लोगो वगैरह बना दूं, जैसे कि मुझे कई लोगों ने कहा भी है। तो सबसे पहले तो तुम्हें मेरा प्रमोशन करना होगा, उसके बाद मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालनी होगी हर वीडियो में, और बाकी का काम तो तुम लोग जानते ही हो। बस डिस्कॉर्ड में जाके मेरा सर्वर ज्वाइन करो और तुम लोगों को मिल ही जाएगा तुम्हारा लोगो 2-3 दिन में। हाँ तो गाइस जैसे तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग इसे काफ़ी आगे तक स्ट्रेच कर लाए हैं, और अब हमें उस पहली वाली क्लिप है ना जो मेन स्क्रीन है हमारी, उसे भी लंबा तक स्ट्रेच करना है। चलो वापस पीछे चलते हैं और उस क्लिप को वापस स्ट्रेच करते हैं। गाइस मैंने को धीरे बोला है, तुमने सुन लिया हो तो कर देना। हाँ उसमें 50 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और करवा दो। हाँ गाइस तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं इसे फैलाता ही जा रहा हूँ, और फैलाने के बाद अब मैं इसे ट्रिम कर दूँगा जितने से वो बाहर आ रहा है। पहले ये देख लेते हैं टोटल वीडियो कितने मिनट की है। मुझे लगता है वही होगी 7-8 मिनट की जितनी की मैं मोस्टली बनाता था। थोड़ी और लंबा करना पड़ेगा। एंड हाँ गाइस मैं तुम्हें गेम पे रिकॉर्डिंग के लिए एक टिप देना चाहता हूँ। तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए टिप ये है कि तुम लोग गेम प्ले को सीधा रिकॉर्ड किया करो हॉरिजॉन्टल की बजाय, उससे ना तुम्हारे कंट्रोलर छुप जाएंगे और एक तो तुम्हारी क्या कहते हैं और तुम्हारे फिंगर टैप्स भी नहीं दिखेंगे, तो वो मुझे सही लगता है एक तरीके से। ये बस मेरी एडवाइस थी, अगर तुम्हें सही लगी हो तो तुम इसे ट्राई करना, और अगर तुम पोकेमॉन गेमर हो तो मुझे भाई बताना, कभी खेलते हैं शोडाउन। हाँ ओ यार फिर से मैसेज आया। हाँ तो फिर अब शायद हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ अब हमने इसे सही से ट्रिम कर देना है। हम लोग इसका इनर ट्रांसेक्शन वगैरह सब फेड डाल देंगे। आउट एनिमेशन, सॉरी मैं ट्रांसेक्शन कह गया। हाँ तो फिर अब चलते हैं अपने लेआउट के पास। और हाँ जब पोकेमॉन तुम्हारा इवॉल्व हो ना, तुम इसी लेआउट के ऊपर उस पोकेमॉन को प्लेस करके उस लेआउट को उस जगह पे लगा दें जहाँ पे तुम्हारा पोकेमॉन इवॉल्व हुआ है। मेरे पास वो लेआउट है नहीं इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, वरना तुम लोग जानते हो मैं हर चीज़ बता देता हूँ। हाँ तो भाइयों बहनों हमारा लेआउट हो चुका है पूरे में प्लेस, और ये बन चुकी है हमारी पूरी वीडियो। हाँ चाहो तो ये गेम प्ले के लिए कुछ और डाल सकते हो, जैसे कि तुम लोग मीम्स वगैरह डाल सकते हो, और मैं तो फिलहाल ये डालूँगा अपना सब्सक्राइब वाला बटन। इसके लिए मैंने क्रोमा की का इस्तेमाल किया है, और मैं इसे एकदम वहाँ नीचे ना सब्सक्राइब के ऊपर चिपका दूँगा, ताकि लोग ये ना समझे कि बस सब्सक्राइब करने का कोई घंटा दबाना ही नहीं है, लाइक दबाना ही नहीं है, शेयर करना ही नहीं है। सब्सक्राइब के साथ साथ ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये। हाँ थोड़ी बकवास कम करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसे एकदम अच्छे से मैं प्लेस कर दूंगा, उसके बाद मैं इसे एक बार फिर से प्ले करके देख लेता हूँ सही आ रहा है या नहीं। ओ भाई ये तो बड़ा सही लग रहा है ना। तो फाइनली हमारा पूरी वीडियो कंप्लीट होने ही वाली है जस्ट, तो चल देखते हैं अब यहाँ पे कुछ हम ले सकते हैं या नहीं। हाँ यहाँ पे हम लोग ये ले सकते हैं, ये मेरा आउटरो टाइप का स्टाइल है। मैं तुम लोगों को तुम अपने आउटरो की सीक्रेट एडिटिंग बता रहा हूँ। इसे मैं एकदम इतने में कर देता हूँ छोटा सा ज़रा। हाँ इतने में फिर एकदम इसके दूसरे एंड में जाओ, फिर इधर से कर दो, और हाँ ये बन गया हमारा आउटरो। अभी और भी बाकी है, पूरा नहीं बना है। इस वीडियो को हम फिर से थोड़ा ट्रिम करके इसे थोड़ा इसके बीच में ट्रांसेक्शन डालेंगे। एंड हाँ गाइस बताना अगर तुम्हें ये वाली वॉइस अच्छी लगी थी या पुरानी वीडियोस की, थोड़ा मैं भी कभी कभी डब कर लिया करूँगा ना, वरना वैसे तो हर बार सारसा की करता है
शायद तुम लोगों को पता हो तो। हाँ तुझे देखो ये ऐसे आएगा तुम्हारा। फिर अब मैं इस पर क्लिप ग्राफिक्स डालने वाला हूँ। हाँ देखते हैं कौन सी इस पर सूट करेगा। ये वाला नहीं, आरसी मोशन नहीं, ये तो कुछ टेक्स्ट वाला चाहिए ना हमें। तो फिर मैं डालूँगा वीडियो फ्लेयर्स। हाँ ये ठीक है, मस्त है, ये मेरा फेवरेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग का आउट्रो बन चुका है। एंड हाँ गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे दूसरे चैनल सार्थक एनिमे डब्स को, जिसमें हम एनिमे देख सकते हैं हिंदी में। और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं आपको कौन सा एनिमे देखना है, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे हिंदी में लाने की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।